कहानी शुरू होती है। हमें मालूम होता है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पार्क का बेटा बीमार है। बीमारी भी ऐसी जिसके बारे में पता चलाने में डॉक्टर्स भी फेल हो गए। सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद इस बच्चे के इलाज के लिए कोरिया से शेमन्स बुलाए जाते हैं, यानी वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए ही सोल से बातें कर सकते हैं, उनसे जुड़ी इस दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कहें कि दुनिया में ना नजर आने वाली चीजों से मिलना, लड़ना और उन्हें कंट्रोल करना ही उनकी जॉब है। हम मिलते हैं शेमन हारिम से, जो अपने असिस्टेंट के साथ इस बच्चे का इलाज करने के लिए आई थी। हालांकि बच्चे की मोम को इन सब चीजों पे यकीन नहीं था, पर अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा था अपने बेटे को बचाने के लिए। हारिम इस बच्चे को चेक करने के लिए कुछ रिचुअल करती है और उसे मालूम होता है कि इस बच्चे के साथ जो भी इशू है वो उसके दादा या परदादा के साथ जुड़ा है। इस बारे में बात करने के लिए हारिम पार्क से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, जहां उसे मालूम पड़ा कि ये लोग दहाइयों पहले ही पूरी तरह अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। पार्क के डैड यानी इस छोटे बच्चे के ग्रैंडपा पैरालाइज्ड हैं, जबकि उसके ग्रैंड ग्रैंडपा यानी परदादा 100 साल पहले ही मर चुके थे, जिनकी ग्रेव यानी कब्र कोरिया में ही है। पार्क हारिम को ये भी बताता है कि उनकी फैमिली में पैदा होने वाले हर बड़े बच्चे के साथ ऐसा ही कोई इशू हो जाता है। जैसे मेरे बड़े भाई, वो भी ऐसी ही किसी बीमारी में पागलखाने में मर गए थे, और अब मेरा बेटा, वो तो आपके सामने ही है। सब सुनने के बाद हारिम पार्क को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको और भी लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। मसला थोड़ा बड़ा है, इन्हें कोरिया भी जाना पड़ सकता है। सीन कट होकर हम कोरिया में एक केम से मिलते हैं। ये फैंक्शुई एक्सपर्ट है। उनका काम था मरने वाले लोगों के लिए ऐसी जगह ढूंढना जहां दफन होने के बाद उनकी सोल्स को आराम और सुकून मिल जाए, वहां उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सोल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी फैमिलीज को तंग करती है। जैसे अभी भी एक ओल्ड लेडी अपने घर वालों के ख्वाब में आकर उन्हें तंग करने लगी थी, लेकिन किम के मुताबिक उनका मसला ग्रेव नहीं थी। असल में उस ओल्ड लेडी के ग्रैंडसन ने उसके दांतों को छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो नाराज थी। उस ओल्ड लेडी के दांत वापस रखने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं यही इसी ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान के अंदर किम से हारिम मिलने आई है। हारिम उन्हें पार्क के बारे में बताती है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उनके फैमिली में एक बहुत ही अजीब इशू है कि उनके घर पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा बीमार रहता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स कोरिया की जमीन से जुड़ी है क्योंकि उनके ग्रैंडपा यहाँ कोरिया में दफन है। हारिम को उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किम की मदद चाहिए थी, और कोरिया का नाम सुनते ही किम मान भी जाते हैं। अगले दिन पार्क भी आकर किम से मिलता है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडपा का एक्सियोमा करवाना था। एक्सियोमा मतलब एक ग्रेव को खोलकर वहाँ दफन हुए इंसान को किसी दूसरे ग्रेव में दफनाना या शिफ्ट करना। इसी काम के लिए उसे किम से सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और वो ये सब अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा था। पार्क अब किम को लेकर अपनी ग्रैंडपा की ग्रेव के पास जाता है, जो पहाड़ के ऊपर बनी थी। ये कोई कब्रिस्तान नहीं था। इस ग्रेव के आसपास बहुत सारे फॉक्स भी फिर रहे थे, और ये कोई अच्छा साइन नहीं था। साथ ही उनकी ग्रेव के ऊपर कोई नेम प्लेट भी नहीं थी। पार्क बताता है कि उसके ग्रैंडपा जनरल थे, और ये ग्रेव उन्हें आर्मी की तरफ से अलॉट हुई थी। किम उसकी अभी भी बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यही जगह क्यों, ये तो जगह कोई टॉम्ब भी नहीं लग रही। वो समझ चुका था कि मसला इसी जगह में है, और ये बात वो हारिम से डिस्कस भी कर लेता है। वो हारिम से कहता है, यहाँ पे बहुत कुछ ईविल है, बहुत कुछ शैतानी है, और इन नेगेटिव पावर्स को मैं सेंस कर पा रहा हूँ। साथ ही किम हारिम से यहाँ काम करने को भी मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर यहाँ उन्होंने काम किया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर हारिम भी परेशान हो जाती है। खैर, रात में दोबारा हारिम, किम और पार्क की मीटिंग होती है, जहाँ किम इन दोनों से शेयर करता है कि जल्द ही उनकी बेटी की शादी होने वाली है, जो सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और उन्हें बताता है कि मेरा बेटा है और वो मरने वाला है। उसके ये लफ्ज हारिम और किम दोनों को ही इमोशनल कर गए थे, इसलिए हारिम फैसला कर लेती है कि वो पार्क की मदद जरूर करेगी, और किम से कहती है कि हम उस ग्रेव को डिग करने के लिए वहाँ पर एक रिचुअल कर सकते हैं, एक ऐसा रिचुअल जिससे वहाँ का ईविल भटक जाए और फिर आप लोगों का काम आसान हो जाए। ये आइडिया किम को भी बेहतर लगा था, इसलिए वो भी एक्सुमेशन के लिए मान गए थे। अगले दिन एक्सुमेशन का काम शुरू हो जाता है, जिसमें यहाँ पर पार्क की आर्ट भी थी, क्योंकि वो ग्रैंडपा की डॉटर थी, उनके साइन और उनके परमिशन के बगैर ग्रेव डिग नहीं की जा सकती थी। हारिम यहाँ पर रिचुअल का सारा सामान भी ले आई थी, जिसमें 5 पिग्स भी थे, उन 5 लोगों के लिए सेक्रीफाइस जो ये ग्रेव डिग करने वाले थे। एक तरफ ग्रेव की खुदाई का काम शुरू होता है, तो दूसरी तरफ हारिम इवल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पावरफुल रिचुअल्स करना शुरू कर देती है, जिसमें बहुत से लोग उसका साथ दे रहे थे। जोर शोर से गाने बजाने के साथ हारिम अपना ड्राउना डांस करते हुए छुट्टियों और चाकुओं से खेल रही थी। ऐसा करते हुए वो अपने मुंह पर कट भी लगाती थी, फिर बांस पे लगे हुए पिग्स की बॉडीज को काट कर उनका खून पीती है। उसका ये ड्राउना रिचुअल तब तक चलता रहा जब तक ग्रैंडपा की हड्डियों को निकाला नहीं गया। हड्डियों को कब्र से निकालने के बाद एक मजदूर कब्र के अंदर इंसानी सर वाला सांप दिखता है, जो कि बहुत ही गलत साइन था, और इससे भी गलत ये कि वो किसी को भी बताए बगैर उसे मार चुका था। ऐसा कहते ही वहाँ मौसम खराब हो जाता है। किम जिसने ग्रैंडपा की हड्डियों को क्रिमेट यानी जलाने का फैसला किया था, उनका ये काम भी रुक जाता है। हालांकि वो ये काम जल्दी करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ग्रैंडपा की सोल हड्डियों से जुड़ी है, जिन्हें जलाने पर ही
उन्हें सुकून मिल सकता है। किम ने क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव देख लिया था, इसीलिए पास के गांव में वो ग्रैंडपा के मजार के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जाता है। जहाँ जाने पे इन्हें मालूम हुआ कि ज्यादा लोगों को तो उस मजार यानी ग्रैंडपा की ग्रेव के बारे में कुछ पता ही नहीं, और अगर कुछ लोगों को पता था तो ये बात कि उनकी ग्रेव खजाने से भरी है। जिसके लालच में एक आदमी जिसे मालूम हुआ कि ग्रैंडपा की ग्रेव की खुदाई हुई है, वो ग्रैंडपा का कॉफिन खोल देता है, जिसके नतीजे में उससे वे पागल ग्रैंडपा की सोल आजाद हो चुकी थी, और ये सबसे बड़ा और खतरनाक काम हुआ था। शुक्र था कि हारिम ने उसे देख लिया। अब एक होप तो है कि वो सबको इस खतरे से बचा ले कि ग्रैंडपा की सोल को कंट्रोल करने के लिए वो एक रिचुअल करना शुरू कर देती है, लेकिन शायद ये जाया हो रहा है क्योंकि ग्रैंडपा की सोल अपने घर भी जा चुकी है। घर यानी अमेरिका, जहाँ पर पार्क की फैमिली रहती थी। वहाँ जाते ही वो अपने बेटे और उसकी वाइफ को मार देते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा की स्पिरिट ने पार्क को भी हॉल्ट करना यानी डराना शुरू कर दिया था। पार्क बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसी टाइम उसे किम की कॉल आती है। फोन पे किम उसे समझा रहा था कि ग्रैंडपा की सोल आजाद हो गई है, उसने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया है और वो अब तुम्हें मारने के लिए निकली है, तुम जरूर उससे बच कर रहना। अभी वो फोन पे बात कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पे भी नॉक होना शुरू हो जाता है। पूछने पे पता चलता है कि वहां पे भी किम था। फोन पे भी किम और दरवाजे पे भी किम। फोन वाला किम पार्क से कहता है कि तुम दरवाजा बिल्कुल ना खोलना, हो सकता है वो ग्रैंडपा की सोल ही हो, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी तुम तक आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुम विंडो खोल सकते हो। किम की बात मानते हुए वो दरवाजा तो नहीं खोलता, लेकिन खिड़की खोल देता है, जहाँ से सोल अंदर आ जाती है। मतलब ये सारी चाल उसी ग्रैंडपा की सोल ने चली थी। फोन पे ग्रैंडपा की सोल बात कर रही थी और दरवाजे के दूसरी तरफ किम था, असल किम जो पार्क को बचाने आ रहा था। दरवाजे वाला यानी असली किम जब होटल के स्टाफ से चाबी लेकर पार्क के रूम के अंदर जाता है, तो देखता है कि पार्क पूरी तरह सोल से पोजेस हो चुका था। पोजेस हुए पार्क के सर के ग्रैंडपा किम को बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के ही पीछे क्यों पड़े हैं। असल में जब अमेरिका और जापानीज के दरमियान में वॉर शुरू हुई थी, तो ग्रैंडपा ने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके बहुत पैसा कमाया, और उसी पैसे की वजह से उनकी पूरी फैमिली अमेरिका जाकर बस गई। लेकिन जिनकी वजह से वो अमीर हुए, उनका स्टेटस चेंज हुआ, उनको कभी इन लोगों ने आकर पूछा ही नहीं, ना कभी इनकी ग्रेव्स पे आए, ना प्रे की उनके लिए। इसी वजह से वो इतना गुस्सा थे, इनकी आंखों के सामने ही वो अब पोजेस हुए पार्क को जान से मार देते हैं। मरते मरते पार्क टिम से कहकर जाता है कि किसी बड़े जानवर ने जैसे शेर ने एक लोमड़ी की हड्डी निकाली है। इस बात का मतलब किम को बिल्कुल नहीं समझ आया था, लेकिन अब ग्रैंडपा के सोल पार्क को मारने के बाद अपनी बेटी और पार्क के बेटे को मारने के लिए निकल चुके थे। उनको रोकने का किम के पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वो हारिम से कहें कि ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दो, लेकिन हड्डियों को जलाने के लिए ग्रैंडपा की बेटी की परमिशन चाहिए थी। किम फौरन उन्हें कॉल करता है और उन्हें बताता है कि ग्रैंडपा की सोल अब उस छोटे बच्चे को मारने के लिए जा रही है, जिसका कोई कसूर नहीं। उसकी जान बचाने के लिए हमें ग्रैंडपा की हड्डियों को जलाना पड़ेगा एक्सक्रीमेशन के बजाय, यानी किसी और कब्र में दफनाने के बजाय, जिसके लिए ग्रैंडपा की बेटी मान जाती है और ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दिया जाता है। ऐसे हड्डियां जलने के साथ ही ग्रैंडपा की सोल खत्म हो जाती है और इन सबको आजादी मिल जाती है। लेकिन कहानी ग्रैंडपा की सोल तक ही खत्म नहीं हुई थी। इस कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ग्रैंडपा के सोल के चले जाने के बाद किम एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसने ग्रैंडपा की कब्र खोदने का काम किया था। उसके ख्वाब में बड़े बड़े इंसानी सर वाले सांप उसे डरा रहे थे। डरते हुए वो आदमी कहता है कि वो सांप मुझे मार देंगे। किम उससे पूछते हैं ये सब कब से हो रहा है। आदमी बताता है तभी से जब मुझे ग्रैंडपा की ग्रेव के अंदर वो इंसानी सर वाला स्नेक मिला था, जिसका सर काट कर मैंने उसे मार दिया। सारी बात की सच्चाई जानने के लिए किम दोबारा ग्रैंडपा की ग्रेव पे जाता है, जहाँ उसे वो मरा हुआ सांप मिल भी गया था। उसका सर किसी फीमेल जैसा था, जिनको बहुत ज्यादा इवन इनी शैतानी माना जाता है। कुछ ना सोचते समझते हुए किम जब इस कब्र को और ज्यादा खोलता है, तो इसी कब्र के नीचे उसे एक खड़ा हुआ कॉफिन मिलता है, जिसे देखते ही वो हारिम और उसके सभी साथियों को यहाँ बुला लेते हैं। ये सब मिलकर उस कॉफिन को बाहर निकालने, लेकिन अभी तक ये लोग ये बात समझ नहीं पाए थे कि आखिर क्यों ग्रैंडपा की ग्रेव के नीचे इस कॉफिन को खड़ा किया गया था। ये कॉफिन चारों तरफ से सील था। फिलहाल आधी रात का वक्त था, ये लोग इस कॉफिन का कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए पास के एक टेंपल में ये लोग इस कॉफिन को रखने का फैसला करते हैं। ये भी हो सकता था कि इस कॉफिन में कोई इवल स्पिरिट हो, वो आसानी से निकल ना जाए, इसीलिए हारिमून और चावलों के साथ यहाँ अजीबोगरीब रिचुअल करती है और उस कॉफिन को सील करके ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस सारे मिस्ट्री की कहानी जानने के लिए किम और हारिम अब जाते हैं ग्रैंडपा की डॉटर के पास और उससे पूछते हैं कि आखिर ग्रैंडपा की ग्रेव के नीचे ये इतना बड़ा कॉफिन क्यों खड़ा किया गया था। जवाब में ग्रैंडपा कहती हैं वो गद्दार कैसे हो सकते हैं, वो तो कोरियन थे ही नहीं, वो तो खुद जापानीज थे। कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि आखिर फिर जापानीज लोगों ने उन्हें यहाँ क्यों दफन किया। सीन कट होकर हमारे उनके असिस्टेंट को देखते हैं, जिसे कोई अजीब और गरीब चीज डरा रही थी। वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने डर को काबू में करता है और कॉफिन को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ बाहर जाते ही उसे कोई 7 फुट जितना लंबा आदमी दिखाई दे रहा था और वो आदमी किसी इंसान को खा रहा था। इस सारे सीन को देखकर डरते हुए वो हारिम को आवाज देता है। पता चलता है कि हारिम ख्वाब में अपनी ग्रैंडमा से
कुछ सबक ले रही थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमा अपने जमाने की बहुत बड़ी शेमन थी। अपने सिस्टर की आवाज सुनकर वो यहाँ से जाने लगती है लेकिन ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ लेती है ऐसे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा खतरा देख लिया हो। लेकिन फिर भी हरी मुड़कर बाहर जाती है जहाँ उसका असिस्टेंट डरा हुआ था। ये दोनों साथ मिलकर उस कॉफिन को देखते हैं जो अब खुला हुआ था और खाली था, मतलब हारिम के असिस्टेंट ने जो 7 फुट का आदमी या भूत देखा था वो इसी कॉफिन से बाहर आ चुका था। यहाँ कॉफिन में ही एक हेलमेट भी मौजूद था जो कि किसी सैमुराई या जनरल का होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर इस कॉफिन में जो कोई भी था वो एक सैमुराई था, एक सोल्जर था। इतनी देर में इस रूम के बाहर वो जनरल भी आ जाता है जो इस कॉफिन से निकला होगा। हारिम उसे देखते ही चुप जाती है और वो जनरल पूछता है कि इस रूम में कोई इंसान है। हारिम ना में जवाब देती है और कहती है मैं तो इंसानों की गुलाम हूँ और एक ट्री स्पिरिट हूँ। फिर वो जनरल का भूत उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास मेरी पसंद का खाना है। हारिम माफी मांगते हुए उससे ना में जवाब देती है और इस टाइम जनरल जान जाता है कि रूम के अंदर कोई इंसान ही है। इससे पहले कि वो हारिम पर हमला कर देता उसका असिस्टेंट आकर उसे बचा लेता है और जनरल पे भी एक नेजे से हमला करता है। लेकिन इस हमले का उसके ऊपर जरा फर्क नहीं पड़ा था, साफ मतलब था कि वो जनरल बहुत ही खतरनाक भूत में बदल चुका है क्योंकि अब वो असिस्टेंट को पकड़ कर उसके पेट में अपना हाथ स्टेप करता है और उसकी बॉडी दरमियान से चीर कर हैंक देता है। इससे पहले कि अब ये भूत हारिम को मार देता किम और उसका असिस्टेंट यहाँ आ जाते हैं और इस मरतबा इस भूत को देखकर इन दोनों की भी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी यह सबूत नहीं देखा था। एक सेकंड गुजरता है और इस भूत को मुर्गे की भांग सुनाई देती है, मतलब सुबह होने वाली थी। और ये सोचते हुए वो एक आग का गोला बनकर यहाँ से उड़ जाता है। अभी के लिए ये लोग इतनी बात जान गए थे कि ये भूत जो भी है ये रात में तो पूरी ताकत में होता है लेकिन सुबह में ये अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पता चलता है भूत ने हारिम के जिस असिस्टेंट को दरमियान से चीर कर फाड़ दिया था उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, यानी वो पूरी तरह मरा नहीं था, इसलिए उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है। और किम अब जाते हैं उसी ग्रेव पे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था क्योंकि अब इसे बंद करना, इस कहानी को खत्म करना बहुत जरूरी था। यहाँ हम आसपास के लोगों से मिलते हैं, कुछ पता चलाते हैं लेकिन खास इन लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। दोबारा ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ इन्हें मालूम पड़ता है कि हारिम के असिस्टेंट को होश आ गया है। होश में आने पे उसकी आंखें अजीब थी और ये देखते हुए हारिम और किम को ये पता चल चुका था कि वो पोजेस्ड है। उस बड़े से जनरल के भूत ने इसे अपना गुलाम बना लिया था और इसी के जरिए इन्हें ये बात पता चलती है कि वो जनरल का भूत यहाँ पे किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। किस चीज की, ये बात हारिम का असिस्टेंट उन्हें नहीं बताता। इन सारी बातों का पता चलाने के लिए किम दोबारा ग्रेव पे जाता है। वो ग्रेव को खोलकर अपने सवालों का जवाब जानना चाहता था कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वो डीमन हिफाजत कर रहा था। इन्हें यहाँ वही 7 फुट लंबा जनरल का भूत ही नजर आता है। इसे देखकर वो ये बात पता चला लेते हैं कि रात में ये भूत कहीं पर भी चला जाए दिन में ये भूत यही रहता है, जरूर उसी चीज की हिफाजत करने के लिए जिसके बारे में इन्हें मालूम नहीं। यहाँ खड़ी खड़ी ही किम को मरते हुए पार्क की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि फॉक्स ने टाइगर की रीढ़ की हड्डी पे वार किया है। कोरिया का मैप बिल्कुल टाइगर की तरह दिखता है, यानी टाइगर तो हो गया कोरिया। अब सीन ये था कि कोरिया को खत्म करने के लिए बहुत से मेटल रॉड्स जमीन में दबाए गए थे जो कि जापानीज रिचुअल के मुताबिक कोरिया की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को डिस्टर्ब करके कोरिया को खत्म कर देते। इन रॉड्स के बारे में कोरियन चीनल्स को पता चल गया और उन्होंने इन रॉड्स को निकालना शुरू कर दिया। इन लोगों को कोरिया के लोगों ने ग्रेव थीव्स कहा, लेकिन अब एक रॉड वो जमीन से नहीं निकाल पाए क्योंकि उस रॉड को जापानीज ने अपने जनरल की बॉडी में दफना दिया था एक ऐसे रिचुअल के जरिए जिसमें मरे हुए एक बहादुर इंसान की बॉडी को काट कर उसमें मेटल रॉड रखा जाता है और साथ ही बहुत से इंसानी ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इस रिचुअल को पूरा करने में। इस सारे प्रोसेस के लिए जनरल की बॉडी को इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि जनरल बहुत बहादुर थे, मरने के बाद भी उनकी सोल इस रॉड की हिफाजत करती। अब वो जनरल जो कि भूत बन चुका था जिसकी बॉडी में वो मेटल रॉड था उसके कॉफिन को इसलिए वर्टिकल खड़ा किया गया था क्योंकि कोरिया में लगने वाले बाकी सभी रॉड्स भी वर्टिकल खड़े थे। अब कोई उस रॉड को या जनरल की बॉडी को न ढूंढ पाए उसके ऊपर पार्क के ग्रैंडपा की बॉडी को दफना दिया गया क्योंकि वो भी एक जनरल थे। साफ लफ्जों में कहें तो जब कोरिया और जापानीज के दरमियान जंग चल रही थी तो लोगों ने जादू मंत्रों के जरिए भी एक दूसरे को हराने की दबाने की कोशिश की। जैसे ही इन लोगों को इस सारी बातों की खबर मिलती है तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब रात का वक्त हो चुका था और वो जनरल जिसके अंदर मेटल रॉड था उसके उठने का भी वक्त हो गया था। इतने सालों में वो अपने कॉफिन से किम की वजह से ही आजाद हो पाया था। किम उसे रोकना चाहता था लेकिन ये भूत उसे पोसेस करना शुरू कर देता है। किम को बचाने के लिए यहाँ हारिम उसके ऊपर ब्लड भी फेंकती है लेकिन वो थोड़ा सा तड़प कर ठीक हो जाता है और उससे में हारिम से ही लड़ने के लिए जाता है। पर इस टाइम हारिम को प्रोटेक्ट करती है उसकी ग्रैंडमा की सोल। किम ने जनरल की बॉडी में मेटल रॉड देख लिया था और उनके फैंगशुई के नॉलेज के मुताबिक मेटल का दुश्मन था वो। जनरल का भूत वैसे ही खून से तड़पता था इसलिए बिना मकसद किए वो एक लकड़ी पर अपना खून लगाते हैं और उससे जनरल को
स्टैप कर देते हैं, जिससे वो जर्नल मर जाता है। वो आखिरी रॉड जो कि कोरिया को तबाह करने के लिए इस जमीन में लगाया गया था, वो रॉड भी बाहर निकल जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब एक तरफ तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल इस भूत को खत्म किया और दूसरी तरफ कोरिया को भी बचा लिया। भूत के मरते ही हारिम का असिस्टेंट जो उसकी पोजीशन में था, वो भी वहां से बाहर निकल आता है। इनके सारे मिशन अब पूरे हो चुके थे, ये लोग अब सेफ थे। यही सोचते हुए ये चारों सुकून का सांस लेते हैं। कहानी के आखिर में हमें किम की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जहाँ किम रिलैक्स नजर आ रहा था और उसे हारिम और उसके असिस्टेंट्स की शक्ल में एक टीम में मिल गई थी। इन चारों को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।